सोहन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था जिसके पैसे से वह अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कुछ वर्ष बाद सोहन की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम सीमा था। सीमा एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। सीमा को जब भी पैसे मिलते थे तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती थी। वह जब भी किसी समारोह में जाती थी तो हमेशा नए नए कपड़े और गहने पहनकर जाना चाहती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते थे तब वह अपने पति सोहन से जिद करके खरीदवा लेती थी। उसकी लालच से उसका पति भी तंग आ गया था। सोहन सीमा को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर लाया करूं। मगर सीमा उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन जब सीमा किसी समारोह में गई थी तब उसकी एक सहेली रीमा उसके घर पर आई। रीमा ने सीमा की सास से उसके बारे में पूछा। सीमा की सास ने रीमा को सारी कहानी बताई। रीमा ने अब सीमा को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह सीमा के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बे में अपने गहने और नए कपड़े लाकर भर दिए। जब सीमा समारोह से वापस आई तब वह किचन के डिब्बों में गहने देखकर बहुत खुश हुई। शाम हुआ जब सीमा खाना बनाने गई तब उसे राशन नहीं मिला। तब उसने अपनी सास से पूछा, सारा राशन कहाँ गया? उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन और घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और कपड़े खरीद लिया है। तुम बदल बदल कर हर दिन नया पहनो। सीमा बोली, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों को क्या करूंगी? तभी उसकी सहेली रीमा आई और उसने सीमा को सब कुछ बताया कि यह तुमको सबक सिखाने के लिए किया गया था। अब सीमा को समझ में आ गया, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भोजन होता है, ना कि बदल बदल के गहने और कपड़े पहनना। सीमा अब अपने पति के कमाई के अनुसार ही सारा काम करती थी और वह खुशी खुशी रहने लगी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सच्चे इंडियंस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।